जय हिंद दोस्तों, आपका अपने परिवार द स्पीड स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम लोगों की महामैराथन क्लास स्टार्ट हो रही है दोस्तों। और मैंने कहा था कि आपको इतने अच्छे तरीके से बताया जाएगा दोस्तों कि आप एक एक टॉपिक समझेंगे दोस्तों। और आज हम लोगों का महामैराथन में 3 टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों, पूरा एकदम बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक। अर्थात अब इस 3 टॉपिक में दोस्तों आप चाहे जो भी एग्जाम दें, अगर इसमें का कोई भी क्वेश्चन बनता है तो आप उसको बड़े आराम से सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों सीक्वेंस ऑफ टेंसेज, कालों का सिलसिला। इसमें हम लोग ये जानेंगे दोस्तों कि अगर पहला अगर आपको सेंटेंस दिया गया है ही सेड कामा इनवर्टेड कामा या फिर ही सेड दैट यू आर गोइंग टू मार्केट। तो दोस्तों आज हम लोग ये समझेंगे कि जो इस तरह का सेंटेंस लिखा हुआ है अर्थात इसमें गलत कहां पर है दोस्तों। तो हम देख रहे हैं दोस्तों यहां पर सेड है और यहां पर दोस्तों आर है, अर्थात ये आपका पास्ट टेंस है और ये आपका प्रेजेंट टेंस है दोस्तों। तो अर्थात ऐसा क्यों होता है ये हम समझेंगे, इसमें गलत क्या है दोस्तों। तो यहां पर आर गलत है और आर कैसे गलत है दोस्तों, तो रुके रहिएगा बस कुछ देर, आपको समझ में आएगा कि अर्थात इसमें इस सेंटेंस में दोस्तों गलत क्या है और हम लोग समझेंगे दोस्तों कि आखिर ये रूल क्या है, क्यों ऐसा होता है दोस्तों। जी हां, आज हम लोग समझेंगे क्यों ऐसा होता है और इस तरह से समझेंगे दोस्तों कि आप चाहे जिसको समझा दीजिए दोस्तों, ऐसा समझेंगे दोस्तों कि आप फिर पढ़ाने लगेंगे, चाहे जिसको जिसको नहीं आएगा दोस्तों उसको भी समझाएंगे कि रुको मैं समझाता हूं दोस्तों, बस कुछ देर रुकिएगा दोस्तों। तो आज हम लोग 3 चैप्टर पूरा कंप्लीट करेंगे, जो कौन कौन सा है दोस्तों, क्वेश्चन सीक्वेंस ऑफ टेंसेज है, एफिक्स। एफिक्स में दोस्तों हम लोग जानेंगे कि कैसे पहचानना सीखेंगे, कैसे एडजेक्टिव को पहचानेंगे दोस्तों। जैसे अगर कहीं लिखा है सी ओ यू एन टी ए बी एल ई, तो दोस्तों अगर कहीं काउंटेबल लिखा है और कोई पूछ ले कि ये क्या है, नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, क्या है ये, वर्ब है, क्या चीज है, तो दोस्तों कैसे पहचानेंगे कि ये नाउन है कि एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है, क्या है। तो दोस्तों इसकी ट्रिक दोस्तों देखिए, ए बी एल ई लिखा हुआ है अर्थात एबल है और एबल दोस्तों एडजेक्टिव सफिक्स होता है। जी हाँ दोस्तों, एडजेक्टिव सफिक्स होता है। तो अर्थात हम आज सब कुछ सीखेंगे दोस्तों। अगर इसी में आगे लिख दिया जाए डिसकाउंटेबल, तो दोस्तों ये अब कुछ और हो गया दोस्तों, ये आपका हो गया एंटोनिम हो गया दोस्तों। और एंटोनिम दोस्तों बना कैसे, सिर्फ आगे मैंने डिस लगा दिया दोस्तों, आगे मैंने डिस लगा दिया और ये प्रीफिक्स हो गया दोस्तों, आगे हमने डिस लगा दिया और ये बन गया क्या, ये बन गया दोस्तों एंटोनिम बन गया। तो आज हम लोग इतनी अच्छी क्लास पढ़ने चल रहे हैं दोस्तों, एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए, एक बार जल्दी से जय हिंद लिख दीजिए, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। एक चीज और आपको बता दें, नीचे देख रहे होंगे क्वेश्चन टैग, आखिर ये क्वेश्चन टैग है क्या दोस्तों, क्वेश्चन टैग है क्या। जब आप किसी से पूछते हैं, किसी से कोई प्रश्न पूछते हैं, उसकी सहमति लेते हैं, मतलब तुम बाजार चलोगे ना, तुम खाना खाओगे ना, तुम पढ़ रहे हो ना, तो दोस्तों ये ना जो निकल रहा है सब में, देखिए ना बोला हमने लास्ट में, यही ना जो है क्वेश्चन टैग है दोस्तों। अर्थात अगर कह दिया जाए कि तुम खाना खा रहे हो ना तो यू, या फिर तुम खेल रहे हो ना तो यू आर प्लेइंग, उसके बाद दोस्तों आरंट, ठीक, यू आर प्लेइंग आरंट यू, मतलब दोस्तों हो गया तुम खेल रहे हो और आरंट यू का मतलब कि ना तुम खेल रहे हो ना, यू आर प्लेइंग आरंट यू, तुम खेल रहे हो ना। तो दोस्तों ये सब चीज है कि आज हम सीखेंगे, अर्थात ये 3 टॉपिक आज हम कंप्लीट कर देंगे दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका। सब्सक्राइब करें द स्पीड स्टडी चैनल को और घंटी वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं। और आज का हमारा पहला टॉपिक क्या है देखिएगा, आज का हमारा पहला टॉपिक है दोस्तों सीक्वेंस ऑफ टेंसेस। सीक्वेंस ऑफ टेंसेस, सबसे पहले दोस्तों इसका अर्थ जान लीजिए, इसका अर्थ होता है दोस्तों कालों का सिलसिला। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं कालों का सिलसिला, मतलब ये जो काल होते हैं, ये जो टेंस होते हैं, इसमें कैसे परिवर्तन होता है दोस्तों, आज हम ये सब पूरा सीखेंगे और सिर्फ कुछ देर में दोस्तों, सिर्फ कुछ देर में।
आज केवल आप हमारे साथ बने रहिए और आज का आपका रिस्पॉन्स ये बताएगा दोस्तों कि आपको बेसिक इंग्लिश ग्रामर पढ़ाई जाएगी या नहीं पढ़ाई जाएगी दोस्तों। जी हाँ, अगर जो दोस्तों ये वीडियो अभी तक मैं सोच रहा था कि डिलीट कर दूंगा, लेकिन कुछ बच्चे कहे कि सर अवेलेबल नहीं हो पाऊंगा, लाइव नहीं देख पाऊंगा, बाद में देख लूंगा, तो इसीलिए मैं ये वीडियो नहीं डिलीट करूंगा दोस्तों। ठीक है, पड़ी रहेगी, तो आपका लेकिन कर्तव्य रहेगा कि इसको आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, लाइक करवाइएगा, कमेंट करवाइएगा दोस्तों, क्योंकि आपके लाइक कमेंट आपके व्यूज ये बताएंगे दोस्तों कि आपकी इंग्लिश ग्रामर बेसिक चलाई जाए कि ना चलाई जाए दोस्तों। तो ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कालों का सिलसिला। तो दोस्तों कालों के सिलसिले में आखिर होता क्या है? होता यह है दोस्तों कि इसमें जो है कालों का सिलसिला, अर्थात इसमें दोस्तों आपको दो चीज जानना जरूरी है। एक चीज आपको जानना है प्रिंसिपल क्लॉज, और एक चीज आपको जानना है दोस्तों प्रिंसिपल क्लॉज। मैं सबके कमेंट देख रहा हूं दोस्तों, एक बार जल्दी से जय हिंद करिए दोस्तों, उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं। विशाल जय हिंद, नीरज जय हिंद, अभिषेक जय हिंद, आयुष जय हिंद, रौनक जय हिंद, एक बार जल्दी से दोस्तों आप लोग जय हिंद करिए दोस्तों। मैं देख रहा हूं सबका कमेंट देख रहा हूं, जिसका कमेंट नहीं पढ़ पाऊंगा दोस्तों वीडियो खत्म होने के बाद लास्ट में दोस्तों सबका, जितने लोग आज कमेंट किए रहेंगे सबका नाम मैं लूंगा दोस्तों। नितेश कुशवाहा जय हिंद, नील प्रताप जय हिंद, भवानी राठौर जय हिंद, जय हिंद दोस्तों, आशुतोष जय हिंद, रोहित जय हिंद, दोस्तों सबका कमेंट पढ़ा जाएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों पहले सीक्वेंस ऑफ टेंसेज, और सीक्वेंस ऑफ टेंसेज समझने के लिए आपको दो चीज जानना है दोस्तों, प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। आखिर दोस्तों ये क्लॉज क्या है? ये क्लॉज क्या है दोस्तों? ये क्लॉज क्या है? क्लॉज का मतलब होता है दोस्तों उपवाक्य, और इसको जब हम लोग क्लॉज पढ़ेंगे, अर्थात अगले संडे को दोस्तों, अगले संडे को हमारा तीन टॉपिक रहेगा, उसमें एक टॉपिक क्लॉज भी रहेगा, उसमें एक टॉपिक सेंटेंस रहेगा, अर्थात पूरा वर्ड फॉर्मेशन, वर्ड बनते कैसे हैं दोस्तों, वो चीज हम लोग पढ़ेंगे अगले संडे में जब महामैराथन आएगी दोस्तों। तो आज हम लोग चलिए देखते हैं प्रिंसिपल क्लॉज क्या है दोस्तों, प्रिंसिपल क्लॉज क्या है और सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है। अर्थात दोस्तों आज हम लोग शुरू करते हैं, अर्थात प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज कालों का सिलसिला समझने के लिए दोस्तों इन दोनों लोगों को जानना जरूरी है। जैसे मैं कह दिया दोस्तों, उसने कहा तुम खाना खा रहे हो। तो दोस्तों अगर यही सेंटेंस है और मैंने कह दिया उसने कहा, सिर्फ इतना कह दिया दोस्तों उसने कहा, तो आपके मन में एक वाक्य या एक प्रश्न उठेगा दोस्तों कि उसने क्या कहा, बनेगा कि नहीं दोस्तों? अगर कह दिया जाए कि उसने कहा तो उसने क्या कहा, तो वही चीज है दोस्तों, अर्थात एक वाक्य तो आपका अपूर्ण रहेगा, एक वाक्य आपका अधूरा रहेगा, और दूसरा वाक्य तुम खाना खा रहे हो, अगर कोई ये पूछे तुम खाना खा रहे हो तो क्या इस पर कोई प्रश्न बन सकता है? नहीं बन सकता दोस्तों, क्योंकि यह पूरा वाक्य है, इसका अर्थ पूरा है दोस्तों। लेकिन अगर भी कह दिया जाए कि तुमने कहा तो दोस्तों प्रश्न बन जाएगा क्या कहा। तो दोस्तों वही चीज है, वह कहेगा तो दोस्तों क्या कहेगा? राम ने पूछा, क्या पूछा? तो दोस्तों जब भी अगर आपको दिया गया है वाक्य, उसका अर्थ आप निकाल रहे हैं और देख रहे हैं कि अधूरा वाक्य निकल रहा है, अधूरा अर्थ निकल रहा है दोस्तों, तो वो आपका क्या रहेगा? वो आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज। वही दोस्तों मुख्य क्लॉज, अर्थात जिसका वाक्य पूरा हो दोस्तों, जिसका अर्थ पूरा हो, अर्थ पूरक मतलब तुम खाना खा रहे हो, पूरा वाक्य है दोस्तों, पूरा अर्थ है। अगर आप कह दोगे तुम खाना खा रहे हो तो कोई इसमें प्रश्न नहीं निकालेगा, तुम खेल रहे हो कोई प्रश्न नहीं निकालेगा, तुम नाच रहे हो कोई प्रश्न नहीं निकालेगा। तो अर्थात जिसका अर्थ अपूर्ण होगा दोस्तों वो आपका प्रिंसिपल क्लॉज हो जाएगा, जिसका अर्थ पूर्ण होगा दोस्तों वो आपका प्रिंसिपल क्लॉज हो जाएगा, और दूसरा आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा। अब दोस्तों सुनिएगा, पहचानेंगे कैसे कि सबऑर्डिनेट क्लॉज कहां से है दोस्तों? तो मैं लिख रहा हूं कुछ रूल, और आपकी स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, आपकी स्क्रीन पर भी एक स्लाइड दिख रही होगी जिसमें दोस्तों लिखा हुआ है। क्या लिखा है देखिएगा, मैं बता दूं आपको, जो सबऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं, सबऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़े होते हैं दोस्तों, उसके आगे का सारा आपका क्या रहेगा? सबऑर्डिनेट क्लॉज रहेगा, जिसमें आपका हु, व्हेन, व्हाट, हु, व्हेन, व्हाई,
डाइट, ठीक, डाट, बहुत सारे हैं आपकी स्क्रीन पर, इसीलिए मैंने लगवा दिया है दोस्तों, सब कुछ देख लीजिए और इसको नोट कर लीजिए दोस्तों, इसको आप नोट्स लिख लीजिए और हमारे साथ दोस्तों नोट्स बनाते चलिए, आज की क्लास का नोट्स दोस्तों हमारे साथ बनाते चलिए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, हु, दैट, इफ, वेदर, ये सब जो वाक्य है दोस्तों, दो, आल्दो, एज इफ, एज सून एज, नाइदर, नॉर, नो सूनर, डट डट, देन, ये सब दोस्तों, अनलेस, अंटिल, लिस्ट, और लिस्ट, ये सभी जो वाक्य है दोस्तों, ये सब सबॉर्डिनेट कंजक्शन है दोस्तों। तो दोस्तों अर्थात इसमें से कोई भी वाक्य लिखा रहेगा दोस्तों, उसके आगे जो सेंटेंस लिखा रहेगा अर्थात वो आपका सबॉर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा। तो ये चीज है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं, शुरू करते हैं। जैसे अगर दोस्तों कह दिया जाए, सुनिएगा, अगर कह दिया जाए, एक रूल लिख लीजिए दोस्तों, रूल नंबर एक लिख लीजिए, रूल नंबर एक लिख लीजिए दोस्तों, रूल नंबर एक लिख लीजिए कि प्रिंसिपल क्लाज, प्रिंसिपल क्लाज के आधार पर, प्रिंसिपल क्लाज के आधार पर, प्रिंसिपल क्लाज के आधार पर सबॉर्डिनेट क्लाज को चलना पड़ता है, प्रिंसिपल क्लाज के आधार पर सबॉर्डिनेट क्लाज को चलना पड़ता है, प्रिंसिपल क्लाज के आधार पर सबॉर्डिनेट क्लाज को चलना पड़ता है, यही सीक्वेंस ऑफ टेंस का नियम है, यही सीक्वेंस ऑफ टेंस का नियम है, ठीक, यही सीक्वेंस ऑफ टेंस का नियम है दोस्तों। जैसे जैसे रूल नंबर एक में हम लिखेंगे दोस्तों, उसी के आगे रूल नंबर एक में लिखेंगे, क्या लिखेंगे देखिएगा, पहले आप देख लीजिए, ही सेड, He said that you was, या he said that, या he said to, चलिए ठीक, वही ठीक है दोस्तों, he said that you was playing, He said माने उसने कहा, that माने कि you was playing। तो दोस्तों होता क्या है, जब आपको दिया गया रहेगा ना, तो यहीं पर दे दिया जाएगा you are playing, और आप अर्थ निकालेंगे दोस्तों, क्या निकालेंगे, He said उसने कहा, that माने कि you are playing, तुम खेल रहे हो, उसने कहा कि तुम खेल रहे हो, तो आप कहोगे सर सही है रे, आप कहोगे सर सही है सेंटेंस, लेकिन दोस्तों सही नहीं है, नियम है दोस्तों, नियम क्या है दोस्तों, कि अगर आपकी प्रिंसिपल क्लाज, अगर आपकी प्रिंसिपल क्लाज दोस्तों, अगर आपकी प्रिंसिपल क्लाज पास्ट टेंस में है, अगर आपकी प्रिंसिपल क्लाज दोस्तों पास्ट टेंस में है, तो जो आपका सबॉर्डिनेट क्लाज रहेगा दोस्तों, ये भी आपका पास्ट टेंस में रहेगा दोस्तों। रूल है कि अगर आपकी प्रिंसिपल क्लाज पास्ट टेंस में है, तो आपका जो सबॉर्डिनेट क्लाज है वो भी पास्ट टेंस में रहेगा, और अगर तो आपकी ये प्रिंसिपल क्लाज दोस्तों प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है, तो सबॉर्डिनेट क्लाज में कोई परिवर्तन नहीं होता है दोस्तों। और एक रूल और है कि अगर आपका प्रिंसिपल क्लाज पास्ट टेंस में हो, लेकिन सबॉर्डिनेट क्लाज में यूनिवर्सल ट्रुथ दे दिया जाए दोस्तों, सबॉर्डिनेट क्लाज में यूनिवर्सल ट्रुथ दे दिया जाए, कोई कहानी दे दिया जाए, कोई हिस्टोरिकल फैक्ट दे दिया जाए दोस्तों, तब तब दोस्तों सबॉर्डिनेट क्लाज में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। अर्थात दोस्तों सीक्वेंस ऑफ टेंसेज में हमको तीन रूल पढ़ना है, याद रखिएगा, सीक्वेंस ऑफ टेंस में हमको तीन रूल पढ़ना है। पहला रूल लिखिए, रूल नंबर एक लिखिए दोस्तों, रूल नंबर एक लिखिए आप लोग, रूल नंबर एक लिखिए दोस्तों, और रूल नंबर एक में क्या लिखेंगे सुनिएगा, यदि प्रिंसिपल क्लाज पास्ट टेंस में हो, रूल नंबर एक में लिखिए दोस्तों, यदि प्रिंसिपल क्लाज पास्ट टेंस में हो, तो
यदि प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज को भी पास्ट टेंस में कर देते हैं, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज को भी पास्ट टेंस में कर देते हैं दोस्तों, लिख लीजिए इसको। ये हमारा रूल है दोस्तों, ये हमारा रूल है। और अगर हम एग्जांपल लिखे दोस्तों, तो इसका एग्जांपल देखिएगा। उसने कहा कि वह यह कार्य कर सकता है। तो दोस्तों सुनिएगा, का क्या कह रहा, उसने कहा का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, ही सेड मतलब उसने कहा, क्या कहा कि दैट, ही सेड दैट, उसने कहा कि वह यह कार्य कर सकता है। तो दोस्तों जब आप इसका ट्रांसलेट करेंगे तो कहेंगे ही माने वह, कैन माने सकता है सकती है, ही कैन डू और दिस वर्क यह कार्य। आप कहेंगे दोस्तों कि ही कैन डू दिस वर्क, वह यह कार्य कर सकता है, लेकिन दोस्तों ये गलत हो गया वाक्य, ये वाक्य गलत हो गया दोस्तों। अभी अभी आपने एक रूल लिखा, उसमें क्या लिखा दोस्तों, उसमें आपने लिखा है कि यदि प्रिंसिपल क्लॉज आपकी पास्ट टेंस में हो, यदि प्रिंसिपल क्लॉज आपकी पास्ट टेंस में हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी आपकी पास्ट टेंस में होती है दोस्तों। तो यहां पर देख रहा हूं सेड लिखा हुआ है और यहां पर दोस्तों कैन लिखा हुआ है, तो कैन का पास्ट करेंगे दोस्तों तो कैन का पास्ट कुड हो जाएगा, अर्थात ये होगा दोस्तों ही कुड डू दिस वर्क, यानी कि दोस्तों क्या हो जाएगा, ही सेड दैट ही कुड डू दिस वर्क। कहीं कोई दिक्कत हो दोस्तों कमेंट करिए। देख रहा हूं कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ये पास्ट क्या है, तो सुनिए बेटा मैं बता रहा हूं पास्ट का मतलब क्या होता है, पास्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों। आप जानते होंगे प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस, जो टेंस आपका होता है वो तीन प्रकार का होता है, एक प्रेजेंट टेंस होता है, एक पास्ट टेंस होता है, एक फ्यूचर टेंस होता है दोस्तों। प्रेजेंट टेंस का मतलब कि है, अगर सेंटेंस को पढ़ने के बाद उसमें है निकले तो उसका मतलब होता है प्रेजेंट टेंस है, अगर सेंटेंस को पढ़ने के बाद उसमें था निकले तो वो पास्ट टेंस है, और अगर सेंटेंस को पढ़ने के बाद दोस्तों होगा होगी ये वर्ड निकले तो वो फ्यूचर टेंस है। तो दोस्तों अर्थ निकालिए, और अर्थ निकालने के बाद पास्ट टेंस में आपका क्या है सुनिएगा, पास्ट टेंस में आपका पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट का मतलब होता है दोस्तों वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर कहीं लिखी गई है तो वो पास्ट टेंस में है, या फिर दोस्तों डिड का प्रयोग अगर मिल जाए तो वो पास्ट टेंस में है। उसी तरह दोस्तों पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में दोस्तों है वाज वेयर, दोस्तों वाज वेयर, और कुछ लोग वाज वर पढ़ते हैं तो कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों, वाज वर या वाज वेयर, वैसे सही तो वर है लेकिन बहुत सारे बच्चे वेयर पढ़ते हैं, तो कोई बात नहीं आप जो भी पढ़ें लेकिन आपको समझने आना चाहिए, लेकिन इसको वर पढ़ेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। उसके बाद दोस्तों होता है पास्ट परफेक्ट टेंस दोस्तों, और पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है दोस्तों हैड, पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है दोस्तों हैड। उसी के बाद सुनिएगा होता है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, जिसमें आपका हैड बीन होता है दोस्तों, ठीक। तो ये है पास्ट टेंस दोस्तों, जब टेंस वाली क्लास लेके आऊंगा तो उसमें पूरा आपका 12 टेंस बताया जाएगा और एकदम आसान तरीके से सारी चीजें आपको बताई जाएंगी दोस्तों, लेकिन उसके लिए आपके इस वीडियो के व्यूज, इस वीडियो के लाइक और इस वीडियो के कमेंट इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपकी आगे की ग्रामर की क्लास चलाई जाए दोस्तों कि ना चलाई जाए। तो इसलिए आप लोग शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और जय हिंद एक बार लिखे दोस्तों, एक बार जय हिंद लिखे दोस्तों, उसके बाद फिर हम आगे बताते हैं दोस्तों, एक बार जल्दी से जय हिंद लिखिए दोस्तों। जैसे रमेश ने सीता से कहा कि वह घर नहीं आएगी, अगला सेंटेंस देखते हैं दोस्तों, रमेश ने सीता से कहा कि वह घर नहीं आएगी, रमेश ने सीता से कहा कि वह घर नहीं आएगी। जी हां दोस्तों, रमेश ने सीता से कहा कि वह घर नहीं आएगी, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, यानी कि रमेश
ठीक, रमेश ने सीता से कहा, तो रमेश टोल्ड सीता, ठीक, रमेश टोल्ड सीता, रमेश ने सीता से कहा, क्या कहा दोस्तों सुनिएगा, रमेश ने सीता से कहा दैट कि वह घर नहीं आएगी, अर्थात एक मिनट रुक जाएगा, रमेश ने सीता से कहा कि वह घर नहीं आएगी दोस्तों, कि वह घर नहीं आएगा, बताइए रमेश लड़का है तो रमेश ने सीता से कहा कि वह घर नहीं आएगा दोस्तों, तो वहां पर दोस्तों क्या होगा, आएगा होगा, आएगी नहीं होगा, रमेश टोल्ड सीता दैट ही वह घर नहीं आएगा, तो ही विल नॉट कम होम। देखिए दोस्तों लिखा हुआ है कि रमेश टोल्ड सीता दैट ही विल नॉट कम होम। अब दोस्तों बताइए कि इसमें एरर कहां है, अगर दोस्तों मैं इसको पार्ट कर दूं ए, इसको पार्ट कर दूं बी, और इसको पार्ट कर दूं डी, और इसको पार्ट ए बी सी, इसको सी कर दूं दोस्तों, और ये हो जाएगा डी। तो आप लोग बताइए दोस्तों कि एरर कहां पे है, आप लोग बताइए दोस्तों कि एरर कहां पे है। तो देख रहा हूं बच्चे सही जवाब दे रहे हैं, कपिल अभिषेक सत्यनारायण आपका सही जवाब आ रहा है, देख रहा हूं दोस्तों नितेश आपका भी सही जवाब आ गया, देख रहा हूं बच्चे रौनक आपका भी सही जवाब है, किशन आपका भी सही जवाब है दोस्तों, देख रहा हूं आप सब सही जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल सही दोस्तों। अर्थात हमने क्या बताया दोस्तों कि अगर आपकी प्रिंसिपल क्लाज पास्ट टेंस में है, देख रहा हूं दोस्तों यहां पे टोल्ड है, और टोल्ड का मतलब दोस्तों वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, और हमने अभी अभी बताया दोस्तों कि अगर आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म मिल जाए तो जान लीजिएगा दोस्तों कि वो पास्ट टेंस है, इसका मतलब ये अगर पास्ट टेंस है दोस्तों तो अगला वाला भी पास्ट होना चाहिए, लेकिन यहां पर देख रहे हैं दोस्तों विल का प्रयोग किया गया है, और विल का पास्ट दोस्तों होता है वुड, विल का पास्ट दोस्तों क्या होता है, उड होता है। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होगी सर जी कैसे विल का उड कर दिए, तो सुन लीजिएगा चार पांच वाक्य मैं लिख देता हूं दोस्तों, ये था आपका रूल एक, ये था आपका रूल एक दोस्तों, इसको लिख लीजिए, ये भी एग्जांपल आप लिख लीजिए, आप हमारे साथ नोट्स बनाते चलिए दोस्तों, अगर कहीं पर छूट जाए दोस्तों तो आप एक बार वीडियो फिर से देखिएगा और उसकी नोट्स बना लीजिएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं दोस्तों आगे देखते हैं, अर्थात जो आपको दिक्कत हो रही होगी मैं समझ रहा हूं दोस्तों, जैसे कुछ बच्चे कमेंट कर भी रहे हैं दोस्तों, सुनिएगा, विल का जो पास्ट होता है दोस्तों उड होता है, कैन का जो पास्ट होता है दोस्तों कुड होता है, सैल का जो पास्ट होता है दोस्तों सुड होता है, ठीक, मे का जो पास्ट होता है दोस्तों माइट होता है, ठीक, विल सैल कैन कुड मे माइट सैल सुड, ये सब दोस्तों पास्ट हैं। और उसी तरह दोस्तों अगर आपका इज आर एम लिखा है दोस्तों, इज आर एम लिखा है दोस्तों, तो इसका पास्ट क्या हो जाएगा, इसका पास्ट दोस्तों होगा वाज या वन, मतलब दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है ना, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, और मैंने कहा कि प्रेजेंट का जो पास्ट होता है दोस्तों वो पास्ट होता ही है, तो अर्थात प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पास्ट क्या हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है दोस्तों तो उसका जो है पास्ट क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस, अर्थात दोस्तों पास्ट का पूछ, अगर पास्ट है तो पास्ट का मतलब दोस्तों यही देख लीजिए कि अगर इज आर एम लिखा है तो इसका पास्ट क्या हो जाएगा, वाज वर, मतलब आपको टेंस पता होना चाहिए दोस्तों कि अर्थात इज आर एम कौन सा टेंस है, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है दोस्तों तो फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो होगा उसका पास्ट होगा, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है दोस्तों तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो होगा वो उसका पास्ट होगा। कहीं पर कोई भी समस्या हो दोस्तों बताइएगा, ज्यादा तेज तो नहीं पढ़ा रहा हूं, जैसे कि मैं देख रहा हूं कि कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर तेज पढ़ा रहे हैं, मोहित कह रहे हैं तेज पढ़ा रहे हैं, सर तेज नहीं पढ़ा रहा हूं मोहित, एकदम आराम से पढ़ा रहा हूं, आप परेशान मत होइए, अभी तो स्टार्ट किया है इसको लिख लिया होगा दोस्तों आप लोग, इसको आप लोग लिख लिए होंगे या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों रूल नंबर एक में दोस्तों हमने क्या पढ़ा, एक बार फिर से सुन लीजिए दोस्तों शुरू से अभी तक हमने क्या क्या बताया, जैसा कि देख रहा हूं कुछ बच्चे नए जुड़ रहे हैं दोस्तों, हमने ये बताया कि अगर आपकी प्रिंसिपल क्लाज पास्ट टेंस में है तो सबॉर्डिनेट क्लाज भी पास्ट टेंस में होगी, ये पहला रूल सामान्य रूल बताया दोस्तों, अर्थात अगर दोस्तों आपकी प्रिंसिपल क्लाज पास्ट टेंस में रहेगी तो जो आपका सबॉर्डिनेट क्लाज है वो भी पास्ट टेंस में हो जाएगा,
फिर हमने बताया दोस्तों कि विल का जो पास्ट होता है वुड होता है, सेल का पास्ट शुड होता है, कैन का पास्ट कुड होता है, मे का पास्ट माइट होता है। उसी तरह दोस्तों अगर आप टेंस में चल रहे हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अगर लिखा हुआ है उसका पास्ट कहेगा तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस रहेगा तो उसका पास्ट कहेगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रहेगा उसका पास्ट कहेगा पास्ट परफेक्ट टेंस। तो ये सब दोस्तों पास्ट है कि पास्ट का मतलब क्या है तो मैंने बता दिया दोस्तों। पास्ट माने जो गुजर गया है दोस्तों, जो गुजर गया अर्थात वाक्य को पढ़ने से अंत में आपको था मिले या मुंह खुला का खुला रह जाए, जैसे वह बाजार गया तो मुंह खुला खुला रह गया। मतलब दोस्तों अगर मुंह इतना बड़ा खुल जाए तो उसमें रसगुल्ला आप डाल दीजिए तो आराम से चला जाए, तो जान लीजिएगा वो पास्ट टेंस है। अगर आपको दोस्तों मुंह खुला खुला रह जाए और उसमें इतना मुंह खुला रह जाए कि उसमें आप रसगुल्ला डाल दीजिए तो आराम से चला जाए दोस्तों, जान लीजिएगा कि वो कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस है। कहीं कोई दिक्कत है दोस्तों बताइएगा। जय हिंद, एक बार जल्दी से जय हिंद करिए दोस्तों। और देख रहा हूं लाइक बहुत कम है दोस्तों, लाइक कम है, लाइक होना चाहिए दोस्तों, और इसको शेयर करिए। मैंने कहा दोस्तों कि आज आपका टारगेट होना चाहिए, आप प्रयास करिए कि आज लाइव में दोस्तों आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ें। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, रूल दो लिखते हैं। रूल नंबर दो क्या है सुनिएगा दोस्तों। अभी अभी हमने बताया कि अगर आपकी प्रिंसिपल क्लाज पास्ट टेंस में है दोस्तों तो आपका जो सबॉर्डिनेट क्लाज है वो भी पास्ट टेंस में रहेगा। ठीक, पहला हमने ये बताया दोस्तों। दूसरा मैं बता रहा हूं उसी का उल्टा दोस्तों, कि अगर लिख लीजिएगा रूल में कि यदि प्रिंसिपल क्लाज लिख लीजिएगा दोस्तों रूल में कि यदि प्रिंसिपल क्लाज पास्ट टेंस में हो, यदि प्रिंसिपल क्लाज पास्ट टेंस में हो, लेकिन यदि प्रिंसिपल क्लाज पास्ट टेंस में हो लेकिन सबॉर्डिनेट क्लाज में निम्न चीजें दी गई हो, सबॉर्डिनेट क्लाज में निम्न चीजें दी गई हो, डैश कर लीजिएगा, सुनिएगा, यूनिवर्सल लिख लीजिएगा दोस्तों, यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, या फिर कोई हिस्टोरिकल फैक्ट हो गया। ठीक, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, कोई हैबिट हो गई, कोई हिस्टोरिकल फैक्ट हो गया दोस्तों। देख रहा हूं मैं कमेंट, देख रहा हूं दोस्तों आप सबका कमेंट में देख रहा हूं, कोई प्रोवर्ब हो गया दोस्तों। मैं सबका जितने लोग कमेंट किए हैं दोस्तों मैं सबका भी नाम लूंगा दोस्तों, सबका नाम लूंगा, बस आप बने रहिए और नाम सबका लिया जाएगा दोस्तों। क्योंकि देखिए नाम तो लेना कोई बड़ी बात नहीं दोस्तों, जब आप जॉब पा जाएंगे तो आप हमारे बगल अर्थात हम और आप दोस्तों लाइव रहेंगे और सबको दिखाएंगे, देखिए ये बच्चा था जो हमारे साथ पढ़ता था, जिसको मैं पढ़ाता था और आज यहां पर पहुंच गया दोस्तों। तो नाम तो दोस्तों, नाम का मतलब है कि यहां पर नाम लेकर क्या होगा। आप ऐसा करिए दोस्तों, जॉब पा जाएंगे दोस्तों तो दुनिया आपका नाम लेगी। अभी तो केवल मात्र 150 लोग जानेंगे आपको, 200 लोग जानेंगे, लेकिन तब आपको पूरी दुनिया जानेगी दोस्तों, और हमारे यूट्यूब के माध्यम से आपको 2000 लोग जानेंगे। तो दोस्तों ये चीज है, आप ऐसा करिए। तो देखिए दोस्तों मैंने क्या बताया रूल में कि यदि प्रिंसिपल क्लाज पास्ट टेंस में हो और सबॉर्डिनेट क्लाज में निम्न वाक्य हो या निम्न शब्द हो, कौन कौन से, यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है दोस्तों सार्वभौमिक सत्य। फिर वही दोस्तों हैबिट का मतलब होता है कोई आदत हो। सार्वभौमिक सत्य का मतलब क्या है कि सूर्य पूर्व में निकलता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में निकलता है, द सन सेट इन टू द वेस्ट, सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, 2 and 2 makes 4, 2 और 2 4 बनते हैं। ये सब दोस्तों यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये कभी बदल नहीं सकता दोस्तों। कि अगर मैं कह दूं कि नहीं सूर्य पश्चिम में निकलता है तो यह सत्य हो जाएगा कि हाँ आप मान लेंगे, क्या कोई यकीन करेगा दोस्तों। अगर मैं कह दूं दोस्तों कि सूर्य पश्चिम में निकलता है तो क्या आप यकीन करेंगे, कहेंगे अरे पगलाएगा है गुरुजी बा, आप लोग कहेंगे गुरुजी वो पगलाएगा है, अर्थात गुरुजी वो कहता है कि जो ना सूर्य किधर निकलता है, पश्चिम में निकलता है।
तो दोस्तों वही चीज बोल रहा हूं कि ऐसा वाक्य बोलने से अगर आपको लोग कह रहे हैं कि अरे पागल हो गया है, तो इसका मतलब हो गया दोस्तों कि वो चीज यूनिवर्सल ट्रूथ है। आगे क्या है दोस्तों, हैबिट, आदत। कुत्ता अजनबियों पर भौंकता है। दोस्तों कुत्ते की आदत है कि अजनबी व्यक्ति अगर रहेगा तो वो भौंकेगा जरूर, यह आदत है दोस्तों। उसी तरह दोस्तों हिस्टोरिकल फैक्ट हो गया, हिस्टोरिकल फैक्ट हो गया कि मतलब कि कोई महत्वपूर्ण दिन हो गया, कोई महत्वपूर्ण घटना हो गई। जैसे दोस्तों हमारे देश को आजादी 1947 में मिली थी, या हमारा देश 1947 को आजाद हुआ था, या जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 को हुआ था। तो ये सब दोस्तों सत्य है, हिस्टोरिकल फैक्ट है, ये कभी बदल नहीं सकता दोस्तों। तो वही चीज है दोस्तों, हिस्टोरिकल फैक्ट रहे, या फिर दोस्तों कोई कहावत रहे, प्रोवर्ब रहे दोस्तों। प्रोवर्ब का मतलब क्या हुआ दोस्तों, कोई कहावत रहे, तो कहावत भी दोस्तों नहीं बदलती है। दीपक कह रहे हैं कि सर कहावत का मतलब हो गया दोस्तों कि जैसे कोई भी कहावत आप कह सकते हैं, वर्क इज वर्कशिप, मतलब कार्य ही पूजा है, आपकी कहावत हो गई दोस्तों। ठीक, तो वही चीज है दोस्तों, कोई कहावत हो गई, कोई आपका सार्वभौमिक सत्य हो गया, कोई हैबिट हो गई, कोई हिस्टोरिकल फैक्ट हो गया। तो आप लिखेंगे दोस्तों कि निम्न वाक्य होते हैं या निम्न शब्द होते हैं, फिर नीचे लिखिएगा नीचे वाली लाइन में, तब सबॉर्डिनेट क्लॉज का टेंस नहीं बदलता है, तब सबॉर्डिनेट क्लॉज का टेंस नहीं बदलता है, तब सबॉर्डिनेट क्लॉज का टेंस नहीं बदलता है। जैसे दोस्तों, जैसे मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूं, लिख रहा हूं, मिटा दे रहा हूं दोस्तों, आप लोग लिख लिए होंगे, ना लिखे हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिए दोस्तों मैं बता रहा हूं, मतलब मेरे दादाजी ने बताया कि कुत्ते अजनबी पर भौंकते हैं। लिखा है दोस्तों, मेरे दादाजी ने बताया कि कुत्ते अजनबी पर भौंकते हैं। दीपक सर समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। आशीष सर समझ में आ रहा है, मोहित सर समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, धन्यवाद मोहित, आशीष, दीपक, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिएगा मैं बता रहा हूं दोस्तों, मेरे दादाजी ने बताया, तो मैं माई ग्रैंड पा का मतलब होता है दोस्तों दादाजी, ग्रैंड माँ का मतलब होता है दोस्तों दादी माँ, फादर और सब तो जानते ही हैं। चलिए दोस्तों, माई ग्रैंड पा, मेरे दादाजी ने टोल्ड मी, मुझे बताया। ठीक, मेरे दादाजी ने यहां पे लिख लीजिए, मेरे दादाजी ने मुझे बताया तो ज्यादा ठीक रहेगा दोस्तों, मेरे दादाजी ने मुझे बताया। तो माई ग्रैंड पा टोल्ड मी, मेरे दादाजी ने मुझे बताया दैट कि कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं, तो द डॉग बार्क्स, ठीक, एट स्ट्रेंजर। ठीक, तो अब देखिए दोस्तों इसमें किए क्या रहेंगे, इसमें किए क्या रहेंगे दोस्तों, इसमें दोस्तों कर देंगे बार्क्ड, क्या कर देंगे दोस्तों, द डॉग बार्क्ड एट द स्ट्रेंजर। दोस्तों अब देखिए दोस्तों इसमें गलत कहां हो गया, अर्थात दोस्तों हमने कहा, आप सोचेंगे दोस्तों अगर मान लीजिए ऐसे दे दिया जाएगा, आप एग्जाम में सोचेंगे, कहेंगे कि माई ग्रैंड पा टोल्ड मी, अर्थात दोस्तों आप देख रहे हैं प्रिंसिपल क्लॉज आपका पास्ट टेंस में है, द डॉग बार्क्ड एट अ स्ट्रेंजर, अर्थात आपका सबॉर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट टेंस में है, अर्थात ये सत्य है, अर्थात इसमें नो एरर है। कितने बच्चे ऐसा सोचेंगे बताइए, कितने बच्चे ऐसा सोचेंगे, क्या कोई है जो ऐसा सोचेगा, क्या कोई है दोस्तों जो ऐसा सोचेगा? तो देख रहा हूं दोस्तों सब लोग कह रहे हैं नहीं, अर्थात हमने कहा दोस्तों क्या कहा, कि कोई आपकी हैबिट हो गई,
कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, कोई प्रोवर्ब हो गई, कोई हिस्टोरिकल फैक्ट हो गया दोस्तों, तो ये सभी कभी नहीं बदलेंगे दोस्तों, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन ये सभी सत्य कभी बदल नहीं सकते दोस्तों। तो अर्थात यहां पर दोस्तों बार्क्ड ना होकर के, यहां पे बार्क्ड ना होकर के दोस्तों क्या होगा, द डॉग बार्क्स एट स्ट्रेंजर। ठीक, ये है दोस्तों। बताइए कि मजा आ रही है नहीं दोस्तों, एक बार अगर मजा आ रही है दोस्तों तो जय हिंद लिखिए दोस्तों, मजा आ रही है दोस्तों तो जय हिंद लिखिए दोस्तों। लगना चाहिए कि हम लोग एयरफोर्स के स्टूडेंट हैं, और आज बहुत सारे बच्चे जुड़े होंगे जो कि एयरफोर्स के अलावा भी तैयारी कर रहे होंगे, तो आप चाहे जिस चीज की तैयारी करिए दोस्तों, एसएससी बैंक, और एसएससी बैंक में दोस्तों स्पेशली ये सब पूछे जाते हैं, तो उनके लिए तो और जरूरी है दोस्तों, और एयरफोर्स, नेवी, एसएसआर, सीडीएस, जितने भी एग्जाम होते हैं दोस्तों, रेलवे का छोड़ के रेलवे में जो दोस्तों इंग्लिश नहीं पूछी जाती, तो मैक्सिमम एग्जाम आपके दोस्तों ये पूछे जाएंगे, मैक्सिमम एग्जाम में आपको इंग्लिश आती है, और ये आपको तैयार होना चाहिए दोस्तों, तो कहीं कोई दिक्कत तो नहीं दोस्तों। कह रहे हैं कि एक एग्जाम्पल और बताइए, तो चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं दोस्तों, एक एग्जाम्पल और देखते हैं इसका क्या है, सुनिएगा सुनिएगा। द टीचर, मतलब अध्यापक ने बच्चों से कहा, क्या कहा, अध्यापक ने बच्चों से कहा कि महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं। अध्यापक ने बच्चों से कहा कि महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं। अध्यापक ने बच्चों से कहा कि महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं, मतलब दोस्तों हुआ क्या कि द टीचर सेड, या द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट, मतलब अध्यापक ने बच्चों से कहा, क्या कहा, दैट महात्मा गांधी वाज द फादर ऑफ आवर नेशन। द टीचर टोल्ड, मतलब अध्यापक ने कहा, दैट द टोल्ड द स्टूडेंट दैट महात्मा गांधी वाज द फादर ऑफ नेशन, ये ए हो गया दोस्तों, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया, और ये डी हो गया। बताइए दोस्तों कि एरर कहां पे है, चलिए दोस्तों बताइए, अगर आप बता देंगे तो मैं जान जाऊंगा कि हाँ आपको ये नियम समझ में आ गया दोस्तों, अगर आप बता देंगे तो मैं जान जाऊंगा कि आपको ये नियम समझ में आ गया, तो देख लीजिए, करें सर साइड हो जाए, दिख नहीं रहा, देख लीजिए, ये है आपका एग्जाम्पल, और बताइए कि इसमें एरर कहां है दोस्तों। तो देख रहा हूं विशाल, आपका सही जवाब आ रहा है, अभिषेक आपका भी सही जवाब आ रहा है, नितिन आपका भी सही जवाब आ रहा है, देख रहा हूं बहुत सारे बच्चे सही जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल सही, इसका मतलब दोस्तों समझ में आ रहा है आपको, विकास आपका भी सही है, इसका मतलब दोस्तों समझ में आ रहा है, हमने क्या बताया दोस्तों, लोग क्या सोचेंगे, लोग सोचेंगे कि द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट, अर्थात यहां पे टोल्ड है, ये आपकी प्रिंसिपल क्लास में टोल्ड हो गया, ठीक है, अर्थात पास्ट टेंस में दोस्तों। आगे चलेंगे, कहेंगे दैट महात्मा गांधी वाज द फादर ऑफ आवर नेशन, कहेंगे हाँ यहां भी वाज है, इसका मतलब दोनों पास्ट टेंस में, अर्थात सही है, नो एरर है इसमें दोस्तों। लेकिन दोस्तों हमने बताया क्या दोस्तों, कि ये फैक्ट है दोस्तों, ये हिस्टोरिकल फैक्ट है कि महात्मा गांधी हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं दोस्तों। तो महात्मा गांधी हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे राष्ट्रपिता हैं, ये आपका हिस्टोरिकल फैक्ट है दोस्तों। अगर हिस्टोरिकल फैक्ट है दोस्तों तो ये वाज नहीं होगा, अर्थात क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी इज द फादर ऑफ आवर नेशन, महात्मा गांधी हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं। कहीं कोई दिक्कत हो दोस्तों बताइए, और समझ में आ गया हो दोस्तों जय हिंद एक बार लिखिए दोस्तों, जय हिंद लिखिए दोस्तों, एक बार जय हिंद लिखिए, और लाइक करिए दोस्तों, देख रहा हूं कि लाइक कम है दोस्तों, आज आपको इतना शेयर करना है दोस्तों कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, और सोच लीजिए कि आपके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है दोस्तों, आज का आपका ये रिस्पॉन्स बताएगा कि आपको बेसिक इंग्लिश ग्रामर पढ़नी है दोस्तों कि नहीं, और मजा आएगी दोस्तों, और मजा आएगी, एकदम डीपली आपको बताया जाएगा। यहां पर तो कुछ बच्चों को समझ में दिक्कत हो रही होगी, सर 10
क्या है, कुछ बच्चे होंगे जो टेंस नहीं जानते होंगे, कुछ बच्चे होंगे जो क्लाज नहीं जानते होंगे, तो उनको थोड़ा प्रॉब्लम हो रही होगी, लेकिन उनको भी समझ में आ रहा होगा दोस्तों। ऐसा मैं बताऊंगा कि उनको भी समझ में आएगा, जो इंग्लिश पहली बार पढ़ रहा होगा उसको भी ये तीनों टॉपिक समझ में आएगा दोस्तों, ये मेरा वादा है आपसे। आप केवल रुके रहिए, इस मैराथन क्लास को देखते रहिए और निश्चित ही दोस्तों आपको भी समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं रूल नंबर तीन पर चलते हैं दोस्तों। और इसका आखिरी रूल क्या है सुनिएगा। देख रहा हूं दोस्तों बहुत कम लोग देख रहे हैं, एक बार जल्दी से आप लोग शेयर करिए दोस्तों, एक बार जल्दी से शेयर करिए फिर आगे बताता हूं। एक बार जल्दी शेयर करिए दोस्तों, सुनिएगा अगला रूल क्या है दोस्तों। अगर प्रिंसिपल क्लाज प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो। आप कुछ लोग सोच रहे होंगे सर प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस मतलब, प्रेजेंट टेंस का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, या फ्यूचर टेंस में हो दोस्तों, तो उसी तरह फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो अगर आपका प्रिंसिपल क्लाज प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो दोस्तों, तो आपका सबऑर्डिनेट क्लाज नहीं बदलता है। अर्थात दोस्तों अगर हम तीनों रूल समझें, क्या बताया हमने दोस्तों, पहले रूल में हमने बताया कि अगर आपका प्रिंसिपल क्लाज पास्ट टेंस में हो तो आपका सबऑर्डिनेट क्लाज बदल जाता है, पहला हमने ये बताया। दूसरा हमने बताया दोस्तों कि यदि आपका प्रिंसिपल क्लाज प्रेजेंट टेंस में हो तो पास्ट और पास्ट टेंस में आपके यूनिवर्सल ट्रूथ हो, हैबिट हो, प्रोवर्ब हो, हिस्टोरिकल फैक्ट हो, तब सबऑर्डिनेट क्लाज नहीं बदलता है। एक मैं तीसरा रूल लिखा रहा हूं दोस्तों, लिखिएगा आप लोग कि यदि प्रिंसिपल क्लाज प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, यदि प्रिंसिपल क्लाज प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो, यदि प्रिंसिपल क्लाज प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो सबऑर्डिनेट क्लाज में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो सबऑर्डिनेट क्लाज में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लिखिएगा दोस्तों, तो सबऑर्डिनेट क्लाज में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे लिखिएगा दोस्तों, वह कहता है कि वह बाजार जा रहा है, वह कहता है कि वह बाजार जा रहा है। तो वह कहता है दोस्तों, इसमें हम पहले जब इसका ट्रांसलेशन करेंगे दोस्तों, पहले करेंगे वह कहता है, यानी कि ही माने वह, सेज माने कहता है दोस्तों। अगर तातीते, अगर है, हैं, हूं, हो के पहले तातीते शब्द मिल जाए तो है, हैं, हो, हूं की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है, ये आपको टेंस में बताया जाता है। दोस्तों टेंस में ये मैं समझाता हूं और आपको मैं फिर से समझा दे रहा हूं, जो बच्चे टेंस नहीं जानते होंगे उनको भी समझ में आएगा। मैंने कहा दोस्तों, क्या बता रहा हूं कि अगर वाक्य के अंत में है, हैं, हो, हूं है और उसके पहले ता, ती, ते है तो उसका है, हैं, हों की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती, बल्कि जो आपकी वर्ब होती है उसमें यस या ईएस लगा देते हैं। तो हम देख रहे हैं दोस्तों, ही सेज, वह कहता है, आगे लिखा है डेट की, वह कहता है कि, आगे चलिए, वह बाजार जा रहा है, ही है, यानी कि ही इज गोइंग टू मार्केट, ही इज गोइंग टू मार्केट, मतलब दोस्तों क्या हो गया, अब देखिए, ही सेज दैट, वह कहता है कि ही इज गोइंग टू मार्केट, वह बाजार जा रहा है दोस्तों। अर्थात ये वाक्य सही है दोस्तों, इसमें कोई एरर नहीं है। अगर हम रूल देखें दोस्तों, तो रूल भी यही कहता है कि अगर आपकी प्रिंसिपल क्लाज,
अगर आपकी प्रिंसिपल जिस टेंस में आपकी प्रिंसिपल क्लाज होगी उसी टेंस में आपकी सबऑर्डिनेट क्लाज होगी। हम देख रहे हैं दोस्तों प्रिंसिपल क्लाज जो है आपकी ये आपकी प्रेजेंट टेंस में है, तो जो आपकी सबऑर्डिनेट क्लाज रहेगी दोस्तों ये भी आपकी प्रेजेंट टेंस में रहेगी। तो देख रहा हूँ दोस्तों ये भी प्रेजेंट टेंस में है, ये भी प्रेजेंट टेंस में है, अर्थात इसमें कोई भी गलती नहीं है दोस्तों। किसी को कहीं समस्या है? किसी को कहीं समस्या है दोस्तों? इसमें तो आपको कोई समस्या नहीं है, अर्थात अगर ये प्रेजेंट टेंस में रहेगा तो प्रेजेंट टेंस में रहेगा, रूल है दोस्तों। लेकिन अगर आपको वाक्य यही रहता अर्थात वह कहेगा कि वह बाजार जा रहा है, ठीक, वह कहेगा कि वह बाजार जा रहा है। सुनिएगा, ही माने वह, कहेगा तो कहेगा का मतलब विल या शैल का प्रयोग करेंगे और ही के साथ विल का प्रयोग करेंगे। आई और वी सिर्फ दो ही वर्ड ऐसे हैं जिसके साथ शैल का प्रयोग किया जाता है, या फिर किसी विशेष स्थिति में, या फिर किसी विशेष स्थिति में और सबके साथ विल या शैल का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, ठीक। तो वो विशेष स्थिति आपको टेंस में समझने में समझाऊंगा मैं। अभी आप देखिए, ही माने वह, विल माने कहेगा, दैट माने कि, ही विल रुक जाएगा, ही विल से माने वह कहेगा, दैट माने कि वह यानी कि ही और इज गोइंग टू मार्केट, ठीक। अब अगर दोस्तों यही लिखा है ही विल से दैट ही इज गोइंग टू मार्केट, तो कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर जी ये तो गलत लग रहा है, ये तो गलत है। मैं पूछूंगा अच्छा बच्चा बताओ क्यों गलत लग रहा है, तो कुछ बच्चे कहेंगे कि सर जी इसमें जो है ही विल से अर्थात प्रिंसिपल क्लाज जो है आपकी, प्रिंसिपल क्लाज आपकी फ्यूचर टेंस में है, इसीलिए जो आपका सबऑर्डिनेट क्लाज है, ये देख रहा हूं दोस्तों ये फ्यूचर टेंस में है, इसलिए आपका जो सबऑर्डिनेट क्लाज है ये भी आपका फ्यूचर टेंस में बदल जाएगा। जब घर पे आप स्वयं हल करेंगे दोस्तों, प्रैक्टिस करेंगे, तो उसमें आप सोचेंगे देखा गुरुजी एक का गलत बता दें, अगर जो ना गुरुजी कह रहे हैं पहले रूल में कि अगर जो ना प्रिंसिपल क्लाज आपका जो है जिस टेंस में आपका प्रिंसिपल क्लाज रहेगा उसी टेंस में आपका सबऑर्डिनेट क्लाज रहता है, और देखा गुरुजी लिखे हैं यहाँ बिल और यहाँ इज लिखे हैं, अर्थात गलत है गुरु। अच्छा तो क्या सोचेंगे बता, अच्छा गुरुजी गलती से लिख देंगे, चला अच्छा एक हम कह दी थी ही बिल गोइंग टू मार्केट। तो दोस्तों मैं गलत नहीं कर रहा हूं, मैंने सही लिखा है, यहां पे इज ही रहेगा दोस्तों। और इसका रूल क्या है कि अगर आपका प्रिंसिपल क्लाज प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में रहा है तो आपका सबऑर्डिनेट क्लाज में कोई परिवर्तन नहीं होगा दोस्तों, वो जिस टेंस में रहेगा दोस्तों उसी टेंस में वो लिखा रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे दोस्तों, ये आप याद रखिए, ठीक। तो ये था दोस्तों तीनों रूल आज हमारा सिक्वेंस ऑफ टेंसेज का, यही तीन रूल है दोस्तों और नहीं है, सिक्वेंस ऑफ टेंस में यही तीन रूल है दोस्तों। बताइए कि समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों, एक बार कमेंट करिए और बताइए कि समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों, जल्दी से एक बार कमेंट करिए, और जो लोग लाइक नहीं किए दोस्तों जरूर लाइक करिए, एक बार कमेंट करिए दोस्तों, और जो लोग लाइक नहीं किए हैं दोस्तों एक बार जरूर लाइक करिए दोस्तों। तो देख रहा हूं बहुत सारे बच्चे सही जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत सारे बच्चे सही जवाब दे रहे हैं, अर्थात दोस्तों आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो ये चीज है, आप इसको लिखे होंगे, नोट्स आप हमारे साथ बनाते चलिए। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर दी जाएगी दोस्तों, पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहेगी, उस पर पासवर्ड पड़ा रहेगा, जो बच्चे क्लास लिए हैं केवल पीडीएफ उन्हीं को मिलेगी, और पीडीएफ का जो पासवर्ड है वो मैं अभी बताऊंगा कुछ देर में, ठीक, जो पीडीएफ का पासवर्ड है वो अभी कुछ देर में बताऊंगा, इसकी आपको पीडीएफ मिलेगी, नोट्स आप हमारे साथ बनाते चलिए। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, और अगला जो हमारा है दूसरा, मैंने कहा कि आज हम लोगों को तीन टॉपिक पढ़ना है, बताइए कि पहला टॉपिक समझ में आया कि नहीं आया, पहला टॉपिक समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से एक बार बताइए सब लोग, और उसके बाद जय हिंद लिखिए दोस्तों, तो आगे हम शुरू करते हैं, जल्दी से दोस्तों एक बार जय हिंद लिखिए दोस्तों, आगे शुरू करते हैं दोस्तों एफिक्स, तो जल्दी से दोस्तों एक बार आप कमेंट करिए और बताइए, एक बार जल्दी से आप लोग पानी वानी पी लीजिए, तब तक आप दो मिनट, हाँ
मोहित ठीक है सर, समझ में आ गया, देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं समझ में आ गया। आप लोग जल्दी से, एक मिनट का टाइम है आप लोगों के पास, आप लोग पानी पीजिए और उसके बाद फिर अगला देखिए क्या है एफिक्स। ठीक, तो जाइएगा मत दोस्तों, देखते रहिएगा, एक वीडियो का आनंद लीजिए, अर्थात हमारी एयरफोर्स की जो क्षमता है दोस्तों। हम लोग आज एक दृश्य देखेंगे और ये वीडियो मुश्किल से 15 सेकंड का है दोस्तों, 15 सेकंड का आपका एडवर्टाइज है, 15 सेकंड के बाद हम फिर मिलेंगे दोस्तों। स्वागत है, आगे आगे हम लोग क्या देखेंगे, अब देखेंगे दोस्तों एफिक्स। आखिर ये एफिक्स क्या है, आखिर ये एडजेक्टिव कैसे पहचानेंगे, आखिर ये नाउन कैसे पहचानेंगे, आखिर ये एडवर्ब कैसे पहचानेंगे, आखिर ये वर्ब कैसे पहचानेंगे, ये सब हम लोग सीखेंगे मात्र कुछ देर में दोस्तों। तो चलिए हम देखते हैं एफिक्स का मतलब क्या हुआ दोस्तों, हम लोग देखते हैं दोस्तों एफिक्स का मतलब क्या हुआ दोस्तों। एफिक्स दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एड और प्लस फिक्स। दोस्तों एफिक्स दो वर्ड से मिलकर बना है, एड और फिक्स। एड मतलब होता है दोस्तों किसी तरफ, और फिक्स मतलब होता है दोस्तों जोड़ना। एड का मतलब होता है दोस्तों किसी तरफ, और फिक्स का मतलब होता है दोस्तों जोड़ना। और जोड़ा किस तरह से जाता है दोस्तों, या तो भाई अगर मैंने कह दिया, अगर मैंने कह दिया दोस्तों COUNT काउंट, अगर मैंने दोस्तों यही लिख दिया काउंट, तो दोस्तों अब काउंट को अगर हम इसमें कुछ जोड़ना चाहें, अगर दोस्तों इसमें हम कुछ जोड़ना चाहें तो हम कहां कहां जोड़ सकते हैं बताइए। या तो हम दोस्तों यहां पर जोड़ सकते हैं, या तो हम दोस्तों यहां पर जोड़ सकते हैं, मतलब दोस्तों या तो हम आगे जोड़ सकते हैं और या तो हम पीछे जोड़ सकते हैं। दोस्तों आप लोग हाई स्कूल में पढ़े होंगे मिठाई, पढ़ाई, लिखाई, तो हम लोग जब इस तरह करते थे तो कहे, अगर गुरुजी कहें कि अच्छा ये बताओ बच्चों इसमें क्या प्रत्यय कौन सा लगा है दोस्तों, तो आप लोग कहते थे गुरुजी आई। उसी तरह दोस्तों कहते थे डॉक्टराइन, मस्टराइन, पंडिताइन, त्यूराइन, यदवाइन, तो दोस्तों इसमें क्या, तो कहिए गुरुजी हम आइन प्रत्यय है। तो दोस्तों ये जो है ना, ये जो आइन आपको मिल रहा है, ये क्या चीज है दोस्तों, वही चीज है दोस्तों, मतलब दो चीज, एक आपका है दोस्तों प्रीफिक्स, एक है दोस्तों आपका सफिक्स। तो दोस्तों सफिक्स का मतलब बाद में, देखिए प्री माने पहले, प्री माने पहले, अर्थात अगर पहले जुड़ेगा दोस्तों, पहले अगर जुड़ेगा तो इसका मतलब वो है आपका प्रीफिक्स, और जिसको आप हिंदी में कहते थे दोस्तों उपसर्ग। वही दोस्तों अगर बाद में जुड़ेगा, अगर बाद में जुड़ेगा तो उसे ही आप लोग कहते थे क्या, उसे ही आप लोग कहते थे दोस्तों प्रत्यय। जैसे अगर लिखा है, क्या लिखा है, कोई वाक्य लिखा है, मान लीजिए चलिए देखिए काउंट लिखा हुआ है, मैंने काउंट लिखा हूं, काउंट माने होता है दोस्तों गिनना। ठीक, हमने इसमें दोस्तों कुछ पीछे जोड़ दिया, हमने पीछे जोड़ दिया ए बी एल ई एबल, अब दोस्तों ये बन गया काउंटेबल। अब दोस्तों ये जो एबल जोड़ा हमने, ये जो एबल जोड़ा हमने, ये एबल जोड़ने से, ये एबल जोड़ने से दोस्तों ये आपका काउंटेबल। काउंटेबल का मतलब होता है दोस्तों गिनने योग्य, और ये आपका बन गया एडजेक्टिव। क्या बन गया दोस्तों, ये आपका एडजेक्टिव बन गया। लेकिन दोस्तों अगर अभी मैं इसी के आगे डिस जोड़ दूं, अर्थात डिसकाउंटेबल, ना गिनने योग्य, और ये आपको एंटोनिम बन गया, मतलब विलोम शब्द बन गया दोस्तों। काउंटेबल का जो एंटोनिम है वो आपका अनकाउंटेबल है। तो दोस्तों सफिक्स से,
सुनिएगा दोस्तों, सफिक्स से किसी वाक्य में सफिक्स या तो लगेगा या तो आपका प्रीफिक्स लगेगा दोस्तों। और अगर किसी वाक्य में दोस्तों प्रीफिक्स लगता है, अगर आपको आपके किसी वाक्य में प्रीफिक्स लगता है तो 90 से 95% दोस्तों प्रीफिक्स लगने से वो एंटोनिम बनता है, याद रखिएगा दोस्तों। अगर दोस्तों प्रीफिक्स जुड़ा किसी वाक्य में, किसी भी वाक्य में दोस्तों अगर प्रीफिक्स जुड़ गया तो वो 90 से 95% दोस्तों क्या बनता है, 90 से 95% आपका क्या बनेगा दोस्तों, वो आपका एंटोनिम बनेगा, विलोम शब्द बनेगा। लेकिन दोस्तों वहीं सफिक्स, अगर सफिक्स का मतलब अगर बाद में कोई चीज जोड़ा जा रहा है दोस्तों, तो बाद में जोड़ने से दोस्तों बहुत चीज बनता है। मतलब बाद में अगर जोड़ेंगे दोस्तों तो आपका नंबर चेंज हो सकता है, बाद में जोड़ेंगे तो आपका केस चेंज हो सकता है, बाद में जोड़ेंगे तो आपका एडजेक्टिव बन सकता है, बाद में जोड़ेंगे तो आपका एडवर्ब बन सकता है, बाद में जोड़ेंगे तो आपका नाउन बन सकता है, बाद में जोड़ेंगे तो आपका बहुत परिवर्तन हो सकता है दोस्तों। जैसे जैसे दोस्तों अगर लिखा है गर्ल, क्या लिखा है दोस्तों, गर्ल लिखा है, उसमें हमने यस लगा दिया लास्ट में, तो क्या कर दिया दोस्तों, गर्ल्स बन गया। तो ये नंबर चेंज हो गया दोस्तों, नंबर चेंज का मतलब कि पहले गर्ल था अर्थात एक वचन था, उसमें मैंने यस लगा दिया दोस्तों तो वो गर्ल्स बन गया, वो बहुवचन हो गया। उसी तरह बॉय से बॉयज हो गया, तो दोस्तों यस लगाने से क्या हुआ, नंबर चेंज हो गया दोस्तों। उसी तरह दोस्तों नाउन, कोई भी चीज लिखी हुई है दोस्तों, कोई भी चीज अगर लिखी हुई है और उसमें हमने जोड़ क्या जोड़ दिया दोस्तों, अगर नाउन कैसे मतलब किसी का टेंस कैसे बदलते हैं दोस्तों, सुनिएगा टेंस कैसे बदलते हैं। जैसे वांट लिखा है दोस्तों, वांट WANT वांट, अब दोस्तों वांट लिखा है अर्थात ये आपका प्रेजेंट था, प्रेजेंट टेंस था, इसी में दोस्तों हमने ईडी लगा दिया, क्या लगा दिया दोस्तों, ईडी लगा दिया, तो ये क्या बन गया दोस्तों, टेंस चेंज हो गया। तो किसी टेंस में भी बदलना हो तो हम लोग किस में परिवर्तन करते हैं दोस्तों, सफिक्स में परिवर्तन करते हैं। उसी तरह दोस्तों BAD बैड लिखा है, क्या लिखा है दोस्तों, BAD बैड लिखा है, अब इसी में हमने NY जोड़ दिया दोस्तों, तो ये हो गया बैडली, बैडली हो गया दोस्तों। बैड क्या है आपका, एडजेक्टिव है, विशेषता बता रहा है, बैड माने खराब, मैंने कह दिया ये बहुत खराब है, तो खराब क्या हो गई दोस्तों, उसकी विशेषता हो गई, ये बहुत अच्छा है तो अच्छा क्या हो गया दोस्तों, विशेषता हो गई। लेकिन वही बैड में दोस्तों अगर हमने LY जोड़ दिया तो ये आपका एडवर्ब बन गया, अर्थात एडजेक्टिव प्लस LY, किसी भी एडजेक्टिव में दोस्तों LY जब जोड़ देते हैं तो वो आपका क्या बन जाता है, एडवर्ब बन जाता है दोस्तों। तो आइए हम लोग लिख कर समझते हैं कि आखिर क्या होता है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ऐसे ही इसको लिख लीजिएगा अपनी नोट्स में दोस्तों। और मजा आ रही है दोस्तों, मजा आ रही है तो लाइक करिए, देख रहा हूं दोस्तों ऐसे कैसे काम चलेगा, बताइए ऐसे कैसे काम चलेगा, आप लाइक करिए, कमेंट करिए और याद रखिएगा कि ये वीडियो का रिस्पॉन्स आपको बताएगा कि आपकी बेसिक इंग्लिश ग्रामर की क्लास चलेगी या नहीं चलेगी। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, आगे देखते हैं क्या है, अर्थात दोस्तों पहला हम देखते हैं प्रीफिक्स, पहले जोड़ना। तो प्रीफिक्स में लिख लीजिए दोस्तों, प्रीफिक्स में लिख लीजिए कि वह शब्द, वह शब्द जो, वह शब्द जो, वह शब्द जो किसी शब्द के, किसी मूल शब्द के, वह शब्द जो किसी मूल शब्द के पहले जुड़ता है, वह शब्द जो किसी मूल शब्द के पहले जुड़ता है उसे, उसे प्रीफिक्स कहते हैं। वह शब्द जो किसी मूल शब्द के पहले जुड़ता है उसे प्रीफिक्स कहते हैं, उसे प्रीफिक्स कहते हैं, उसे प्रीफिक्स कहते हैं, ठीक, उसे प्रीफिक्स कहते हैं। और प्रीफिक्स से, प्रीफिक्स से दो चीजें बनती हैं, प्रीफिक्स से दो चीजें बनती हैं, पहला एंटोनिम और दूसरा वर्ब, पहला एंटोनिम दूसरा वर्ब, जैसे पहला एंटोनिम दूसरा वर्ब, जैसे देख रहा हूं मैं सबका कमेंट देख रहा हूं दोस्तों, बस
पढ़ नहीं पा रहा हूं, क्योंकि देखिए दोस्तों हम लोग मैराथन क्लास पढ़ रहे हैं और आज हम लोगों का टारगेट है कि तीन चैप्टर आज पूरा कर लेना है हम लोगों को दोस्तों। और मैं अभी सबके कमेंट पढ़ूंगा दोस्तों, अभी मैं सबके कमेंट पढ़ूंगा जितने लोग कमेंट कर रहे हैं दोस्तों, अभी सबका कमेंट मैं पढ़ूंगा दोस्तों लास्ट में। तो देखिए दोस्तों, अर्थात दोस्तों हमने क्या कहा, प्रीफिक्स मतलब पहले जोड़ना, ठीक, पहले जोड़ना। तो चलिए दोस्तों पहले जोड़ते हैं, COUNT काउंट, इसके पहले हमने क्या जोड़ दिया दोस्तों, डिस, तो ये हो गया डिस्काउंट। ठीक, आगे दोस्तों रेगुलर, ठीक रेगुलर दोस्तों। अब देखिए दोस्तों दीपक सर समझ में आ रहा है, आशीष ठीक है समझ में आ रहा है, मोहित, नितिन, अभिषेक, किशन, रितेश, अजय, अभिषेक, आयुष, सबका मैं नाम पढ़ूंगा दोस्तों धीरे धीरे, सबका नाम आएगा दोस्तों। देखिए रेगुलर लिखा है दोस्तों, इसी के पहले आई आर जोड़ दीजिए, तो इरेगुलर, रेगुलर मतलब नियमित और इरेगुलर मतलब अनियमित, काउंट मतलब गिनना, डिस्काउंट मतलब छूट देना। ठीक, आगे देखिए दोस्तों, इसी तरह दोस्तों होल्ड, इसी के पहले दोस्तों बी जोड़ दीजिए, तो बी होल्ड। तो देख रहा हूं दोस्तों, अर्थात ये आगे क्या लग गया दोस्तों, ये सभी दोस्तों क्या है, ये सभी प्रीफिक्स है। ठीक, तो ये था आपका प्रीफिक्स। आगे देखते हैं दोस्तों प्रीफिक्स से बनता क्या है दोस्तों, प्रीफिक्स से एंटोनिम बनता है। जैसे अगर कहीं पर लिखा है दोस्तों करेक्ट, कहीं पर करेक्ट लिखा है दोस्तों, और अगर इसके पहले हमने जोड़ दिया क्या, इसके पहले हमने जोड़ दिया इनकरेक्ट। ठीक, तो उसी तरह दोस्तों एबल योग्य, इसी के आगे हमने जोड़ दिया डिसेबल अयोग्य, ये डिस आपका क्या है दोस्तों, आगे प्रीफिक्स है। तो ये सभी दोस्तों वर्ड है। ठीक, तो आगे चलते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं और अगला देखते हैं सफिक्स, अगला देखते हैं सफिक्स, और सफिक्स में लिखिएगा आप लोग क्या है, सफिक्स का मतलब क्या होता है दोस्तों, लिखिए दोस्तों सफिक्स में लिखिए, किसी मूल शब्द के अंत में शब्द लगने से जो परिवर्तन होता है उस लगने वाले शब्द को सफिक्स कहते हैं। आगे लिखिएगा दोस्तों, एक सफिक्स निम्न भूमिका निभाता है। एक सफिक्स निम्न भूमिका निभाता है, तो उसमें लिखिएगा पहला टेंस, दूसरा डिग्री, तीसरा जेंडर। ठीक, टेंस, डिग्री, जेंडर, केस लिख लीजिएगा दोस्तों, नंबर, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। ठीक, नाउन, जेंडर, एडजेक्टिव, नंबर, एडवर्ब। सुनिएगा दोस्तों, टेंस में परिवर्तन कैसे करेगा दोस्तों, जैसे वांटेड, तो इसमें दोस्तों क्या लग गया, ईडी लग गया, और ईडी लगने से ये टेंस बदल गया, ये पास्ट टेंस। अभी हमने बताया था उसमें सीक्वेंस ऑफ टेंसेस में कि अगर आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म दी गई है दोस्तों तो वो आपका पास्ट टेंस है, अगर फर्स्ट फॉर्म में यस या यस है तो आपका प्रेजेंट टेंस है। उसी तरह दोस्तों डिग्री मतलब क्या हुआ दोस्तों, टाल लिखा है, इसी में दोस्तों ई आर जुड़ गया, टालर, तो यह क्या हो गया दोस्तों, डिग्री बदल गई इसकी, मतलब टाल माने लंबा और टालर मतलब उससे लंबा, अर्थात डिग्री क्या हो गई दोस्तों, पॉजिटिव मतलब कि आपकी कॉम्परेटिव डिग्री में बदल गई, पॉजिटिव डिग्री से किसमें बदल गया दोस्तों, कॉम्परेटिव डिग्री में बदल गया। उसी तरह दोस्तों जेंडर चेंज करने का मतलब क्या है दोस्तों, पीओईटी, पोएट, पोएट मतलब होता है दोस्तों कवि,
लेकिन अगर अभी इसी में ई डबल एस जोड़ दीजिए दोस्तों, पोएटेस हो गया। पोएटेस का मतलब होता है कवित्री, अर्थात दोस्तों क्या हुआ, जेंडर बदल गया। उसी तरह दोस्तों केस बदलना, केस बदलने का मतलब क्या है, जैसे राम सब्जेक्टिव केस है, राम तो राम माने राम, लेकिन अगर अभी यहीं पर एपास्ट्रोफी यस कर दिया जाए दोस्तों, तो राम का मतलब दोस्तों राम्स, एपास्ट्रोफी यस जोड़ दिया गया, इसका जेंडर क्या हो गया दोस्तों, चेंज हो गया। उसी तरह दोस्तों नंबर, गर्ल, गर्ल माने दोस्तों लड़की, इसी में अगर आप यस जोड़ दीजिए तो गर्ल्स हो गया, बहुत सारी लड़की। नाउन दोस्तों, नाउन का मतलब क्या हुआ, कोई भी वर्ड आप लिख लीजिए दोस्तों, कोई भी वर्ड आप लिख लीजिए, जैसे रियल, रियल माने होता है दोस्तों सत्य, ट्रुथ। अगर दोस्तों इसी में आई टी वाई जोड़ दीजिए तो रियलिटी, सत्यता, ये आपका क्या हो गया दोस्तों, नाउन हो गया। वहीं दोस्तों एडजेक्टिव का मतलब क्या हुआ दोस्तों, जैसे क्रिटिक, सी आर आई टी आई सी, क्रिटिक, क्रिटिक मतलब होता है कठिन, और क्रिटिकल, कहेंगे यार बहुत क्रिटिकल कंडीशन है, अर्थात बहुत कठिन कंडीशन है, तो ये हो जाएगा दोस्तों क्या, क्रिटिकल हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत हो दोस्तों बताइएगा। आगे चलते हैं एडवर्ब, एडवर्ब हमें हमने बताया दोस्तों वाइटिस, नहीं एडवर्ब में जैसे क्या बताया हमने, रुक जाइएगा, काउंटेबल, सी ओ यू एन टी ए बी एल ई, हमने दोस्तों क्या जोड़ दिया, रुक जाइएगा, बी ए डी एल वाई, बैडली। तो दोस्तों एल वाई मैंने जोड़ दिया, और एल वाई जोड़ने से ये क्या बन गया दोस्तों, एडवर्ब बन गया। वर्ब का मैंने नहीं लिखा क्या दोस्तों, वर्ब का भी लिख लीजिए, वर्ब का भी लिख लीजिए। तो दोस्तों एक चीज और जो बनता है हमारा, वो वर्ब बनता है, और वर्ब का मतलब क्या हुआ दोस्तों, जैसे क्या नाम है सत, चलिए कोई बात नहीं, मैं आपका कमेंट देख रहा हूं, मैंने बताया उसको, अभी मैं बताऊंगा उसको, अभी मैं सब बताऊंगा दोस्तों कि कैसे हम इसका जो है, मैं विस्तार में इसमें बताऊंगा, अभी तो मैं ये लिख रहा हूं, मैं उसको बताऊंगा दोस्तों कि नाउन का क्या सफिक्स है, कौन कौन सा वर्ड होता है, वर्ब का कौन सा होता है, इसका मैं सब बताऊंगा, आप लोग परेशान मत होइए, आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए दोस्तों। W R I डबल T E N, तो दोस्तों राइट से रिटेन बना हुआ है, अर्थात ये क्या है दोस्तों, वर्ब है, ठीक। तो ये सभी दोस्तों, अर्थात एक सफिक्स जो होता है वो इतनी प्रकार की भूमिका निभाता है दोस्तों, एक सफिक्स इतनी प्रकार की भूमिका निभाता है। तो आइए हम लोग इसका देखते हैं, इसका आइए हम लोग देखते हैं। तो अर्थात हम लोग सबसे पहले देखेंगे नाउन, नाउन सफिक्स कौन कौन से होते हैं, नाउन सफिक्स। तो नाउन सफिक्स का मतलब कि अर्थात किसी वर्ड के अंत में अगर ये सब वर्ड जुड़ जाते हैं तो वो आपका नाउन बन जाता है। जैसे दोस्तों लिख लीजिए, लिख लीजिए एम ई एन टी मिंट, टी आई ओ एन, ठीक, एस आई ओ एन, ये सभी दोस्तों अर्थात किसी वर्ड के अंत में अगर एम ई एन टी मिल जाए तो वो नाउन है, किसी वर्ड के अंत में टी आई ओ एन मिल जाए वो नाउन है, किसी वर्ड के अंत में यस आई ओ एन मिल जाए वो नाउन है, उसी तरह दोस्तों किसी वर्ड के अंत में आई एस टी मिल जाए वो नाउन है, किसी वर्ड के अंत में ई ई आर मिल जाए वो नाउन है। तो दोस्तों ये सभी, किसी वर्ड के अंत में ओ आर मिल जाए ये आपका नाउन है। उसी तरह दोस्तों किसी वर्ड के अंत में, देख रहा हूं मैं कमेंट सबका देख रहा हूं, परेशान मत होइएगा आप लोग, आई टी वाई मिल जाए तो ये आपका नाउन है, ठीक। जैसे दोस्तों, जैसे दोस्तों अगर एम ई एन टी लिखा है, अर्थात अगर एग्रीमेंट कर दिया जाए तो एग्रीमेंट आपका नाउन हो जाएगा। उसी तरह दोस्तों टी आई ओ एन लिखा हुआ है तो देखिए, टी आई ओ एन लिखा हुआ है तो मतलब क्या हुआ, इमेजिनेशन, इमेजिनेशन। एस आई ओ एन लिखा है दोस्तों, एस आई ओ एन लिखा है तो आप कर सकते हैं सजेशन या कन्वर्जन। आई एस टी लिखा है तो आई एस टी, जैसे देखिए साइकोटिस्ट, इगोटिस्ट, तो ये सभी दोस्तों स्पेशलिस्ट, ठीक। तो ये सभी दोस्तों क्या है आपका, आई एस टी अगर मिल जाए तो जैसे इगोटिस्ट, ई ई आर, ई ई आर जैसे इंजीनियर, आई एन जी आई
एन डबल ई आर, ओ आर मिल जाए, जैसे डॉक्टर डॉक्टर, आई टी वाई मिल जाए, आई टी वाई का मतलब क्या हुआ दोस्तों, रियलिटी। तो ये सभी वर्ड है दोस्तों जो क्या है, नाउन सफिक्स है, अर्थात आपको अगर कह दिया जाए कि निम्नलिखित में से नाउन पहचानिए, तो जिसमें ये सभी वर्ड मिलेंगे दोस्तों, जिसमें ये सभी वर्ड मिलेंगे वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका नाउन हो जाएगा। ठीक, तो आगे चलते हैं, ये था आपका नाउन सफिक्स, और आगे चलते हैं एडजेक्टिव सफिक्स में। इसी तरह दोस्तों देखेंगे क्या एडजेक्टिव सफिक्स, और एडजेक्टिव सफिक्स क्या है दोस्तों, एडजेक्टिव सफिक्स क्या है, एडजेक्टिव सफिक्स का मतलब जैसे अगर आपको ओ यू एस मिल जाए, ए बी एल ई मिल जाए, आई डबल एस मिल जाए, ठीक, ओ यू एस मिल जाए, ए बी एल ई मिल जाए, आई एस एच मिल जाए, ए बी एल ई लिखा ना है मैंने, हाँ लिखा है, ठीक, आई बी एल ई मिल जाए, आई बी एल ई मिल जाए, या फिर नाउन प्लस ए एल मिल जाए, ठीक, तब भी अगर कोई नाउन है उसमें ए एल लग जाएगा दोस्तों तो आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। और वहीं दोस्तों कोई नाउन मिल जाए और उसमें एल वाई लिख जाए, लिखा जाए, तब भी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, एडजेक्टिव हो जाएगा। जैसे ट्रेमंडस, तो ओ यू एस मिल गया दोस्तों, ट्रेमंडस, ट्रेमंडस का मतलब होता है दोस्तों शानदार, ट्रेमंडस का मतलब होता है दोस्तों शानदार, क्या होता है शानदार। उसी तरह दोस्तों काउंटेबल, काउंटेबल मतलब दोस्तों गिनने योग्य, गिनने योग्य। फिर दोस्तों व्हाइटिस, सफेद जैसा, ब्लैकिस काले जैसा, आई बी एल ई, आई बी एल ई का लिख लेते हैं दोस्तों, मेमोरेबल, मेमोरेबल मतलब यादगार जिसको बोलते हैं दोस्तों। और नाउन प्लस ए एल, नाउन प्लस ए एल का मतलब दोस्तों क्रिटिकल, क्रिटिक आपका नाउन है उसके पहले ए एल लग गया, क्रिटिकल कठिन। नाउन प्लस एल वाई दोस्तों, नाउन प्लस एल वाई, तो कोई भी नाउन ले लीजिए दोस्तों, जैसे फ्रेंडली, फ्रेंड मतलब मित्र, और फ्रेंडली मतलब मित्रतापूर्वक। तो ये सभी दोस्तों एडजेक्टिव सफिक्स है, ये सभी एडजेक्टिव सफिक्स है, अर्थात अगर कहीं पर ये मिल जाएगा दोस्तों तो ये जान लेंगे किसी वाक्य के अंत में आई बी एल ई मिल जाएगा तो जान लेंगे एडजेक्टिव है, किसी वाक्य के अंत में आई एस एस मिल जाएगा तो जान लेंगे एडजेक्टिव है। तो ये है दोस्तों हमारा एडजेक्टिव सफिक्स। अगर कहीं दिक्कत हो दोस्तों बताइए, अगर कहीं दिक्कत हो बताइए, आप लोग तो सो गए, आप लोग तो सो गए दोस्तों। जय हिंद, एक बार लिखिए दोस्तों, एकदम दमदार क्लास है दोस्तों, लगनी चाहिए, लगनी चाहिए। अगर समझ में आ रहा है दोस्तों तो लगना चाहिए कि हाँ समझ में आ रहा है, अर्थात अब आप पहचान लेंगे। अगर अब आपको पहचानने को दे दिया जाए कि बताइए एडजेक्टिव है कि नाउन है कि वर्ब है क्या है, तो पहचान लेंगे दोस्तों कि नहीं, बताइए पहचान लेंगे कि नहीं दोस्तों। अगर और एडवर्ब में केवल एक ही है दोस्तों, एडवर्ब में मैं यहां लिख दे रहा हूं दोस्तों, एडवर्ब सफिक्स, और एडवर्ब सफिक्स केवल एक ही है जो कि है आपका एडजेक्टिव, एडजेक्टिव प्लस यल वाई दोस्तों, एडजेक्टिव प्लस यल वाई कर दीजिए, आपका क्या हो जाएगा, आपका एडवर्ब बन जाएगा दोस्तों। ठीक, एडजेक्टिव प्लस यल वाई कर देंगे दोस्तों तो एडवर्ब बन जाएगा। जैसे सैड मतलब होता है दुखी, तो सैडली मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, दुखीपन। उसी तरह दोस्तों बैड लिखा है तो बैड से क्या हो जाएगा, बैडली। ठीक, तो अर्थात अगर आपका एडजेक्टिव में यल वाई जुड़ जाएगा दोस्तों तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका क्या, वो आपका हो जाएगा एडवर्ब। ठीक, तो ये था आपका एफिक्स, और एफिक्स में हमने जान लिया दोस्तों कि अर्थात नाउन को कैसे पहचानेंगे, कैसे एडजेक्टिव को पहचानेंगे, कैसे एडवर्ब को पहचानेंगे। एक प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, एक प्रश्न पूछा जाता है, लिख दिया जाएगा और कह दिया जाएगा कि नाउन क्या है, इसको नाउन में बदलिए, इसका नाउन क्या होगा, इसका एडजेक्टिव कैसे बदलेंगे, तो वो चीज है दोस्तों, और वो सारी चीजें हमने आपको क्या कर दी दोस्तों, बता दी। आगे चलते हैं और क्वेश्चन टैग में चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन टैग में, और क्वेश्चन टैग में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। क्वेश्चन टैग का मतलब होता है दोस्तों ना, तुम खाना खा रहे हो ना,
तुम पढ़ रहे हो ना, तुम बाजार जा रहे हो ना, तुम बाजार जा रहे थे ना, तुम खाना खा रहे थे ना, तुम खेल रहे थे ना। अर्थात अगर आपको वाक्य के अंत में ना मिल जाए तो वो आपका होता है दोस्तों क्या, क्वेश्चन टैग होता है। जैसे तुम खाना खा रहे हो ना, ठीक, तो तुम खाना खा रहे हो ना, ये है दोस्तों। तो जो ये ना लग गया दोस्तों, जो ये ना लग गया, यही आपका है क्वेश्चन टैग। अर्थात किसी की वाक्य का, किसी की बात का अगर सहमति प्राप्त करना हो तो वही चीज आपका होता है क्वेश्चन टैग। अर्थात तुम खाना खा रहे हो, ये तो आपका वर्ड हो गया कि तुम खाना खा रहे हो, लेकिन अगर आप किसी से पूछ रहे हैं तो क्या कहेंगे, तुम खाना खा रहे हो ना, तुम खेल रहे हो ना, तुम पढ़ रहे हो ना, तो ये जो ना जुड़ता है दोस्तों वही चीज आपका क्वेश्चन टैग होता है। तो अर्थात यू आर ईटिंग फूड और उसके बाद दोस्तों कामा लगा देंगे, कामा लगा देंगे और उसके बाद देखिए क्या लिखा है दोस्तों आर, तो ये हो जाएगा आरंट, ठीक, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो ये है दोस्तों, ये है क्वेश्चन टैग। अर्थात इसमें पूछेगा कोई क्वेश्चन टैग क्या है, तो क्वेश्चन टैग दोस्तों आरंट हो जाएगा। आरंट क्या हो जाएगा, इसका क्वेश्चन टैग हो जाएगा। तो ये चीज है दोस्तों कि आखिर क्वेश्चन टैग क्या है, तो चलिए हम लोग इस पर विस्तार से चलते हैं। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन टैग की परिभाषा लिख लीजिए दोस्तों, सबसे पहले आप क्वेश्चन टैग की परिभाषा लिख लीजिए, क्वेश्चन टैग की आप लोग परिभाषा लिखिए दोस्तों। पहले क्वेश्चन टैग वह शब्द होता है, ठीक, क्वेश्चन टैग वह शब्द होता है, क्वेश्चन टैग वह शब्द होता है जिसके द्वारा हम किसी व्यक्ति की सहमति प्राप्त करते हैं, जिसके द्वारा हम किसी व्यक्ति की सहमति प्राप्त करते हैं, ठीक, क्या है दोस्तों, जिसके द्वारा हम किसी व्यक्ति की सहमति प्राप्त करते हैं। और इसका हिंदी में अर्थ होता है ना, ना को आप काले पेन से लिख के ऐसे कामा में लिख लीजिएगा, इसका अर्थ होता है ना, ठीक। और जैसे लिख लीजिए ही इज गोइंग, पहला, जैसे हम लिख लीजिए ही इज गोइंग इजंट, वह जा रहा है ना, इजंट में दोस्तों जो एपोस्ट्रोफी लगता है वो यन के बाद लगेगा, इजंट, वह जा रहा है ना। और दोस्तों एक चीज और, आई एम रीडिंग, और दोस्तों इसका हो जाएगा आरंट, आरंट आई, इसका हो जाएगा एजेंट ही, ठीक। तो दोस्तों ये है आई एम रीडिंग, हमको लगता है पिछले वाले में जब हमने हिंदी का अनुवाद किया था तो उसमें केवल इसी में नॉट लगा दिया था, हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखी थी, वो सब्जेक्ट नहीं लिखा था दोस्तों, तो उसको सही कर लीजिएगा। आपकी जो हेल्पिंग वर्ब रहेगी दोस्तों उसको लिखेंगे और उसके बाद फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक, ये है दोस्तों क्वेश्चन टैग, ठीक। एग्जाम्पल में आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद आप चलिए हम लोग शुरू करते हैं, अब चलिए शुरू करते हैं रूल नंबर एक, रूल नंबर एक पर चलते हैं दोस्तों, रूल नंबर एक पर चलते हैं। और एक चीज याद रखिएगा दोस्तों, अगर जो आपका सेंटेंस लिखा है जैसे ही इज गोइंग, तो जो आपका सेंटेंस लिखा है दोस्तों अगर ये सेंटेंस अफर्मेटिव है दोस्तों, क्या है, अफर्मेटिव है, अगर ये सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है तो जो क्वेश्चन टैग लगेगा वो आपका निगेटिव रहेगा दोस्तों। अगर ये अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव रहेगा, और अगर ये निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव रहेगा। इसका तो हमने बताया एग्जांपल, लेकिन अभी यहीं पर होता ही इज नॉट गोइंग, ही इज नॉट गोइंग दोस्तों, तो इसका जो क्वेश्चन टैग होता दोस्तों वो हो जाता इज ही,
ठीक, उसका क्वेश्चन टैग दोस्तों क्या हो जाता है, इज ही, मतलब अगर ये निगेटिव रहेगा दोस्तों तो ये हमारा पॉजिटिव रहेगा, और ये अगर पॉजिटिव रहेगा दोस्तों तो वो हमारा निगेटिव रहेगा। तो ये चीज है, और इसका दोस्तों हम लोग रूल देखते हैं, अर्थात जितने भी टेंस हैं दोस्तों, जितने भी टेंस हैं आप लोग लिख लीजिए, अर्थात सुनिएगा दोस्तों, डू लिखा हो या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हो, तो इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा दोस्तों, इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा, डू लिखा रहेगा दोस्तों तो डोंट लिखा बनेगा, ठीक। अगर दोस्तों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तब भी आपका डोंट या डजंट बनेगा। उसी तरह दोस्तों अगर डिड है तो डिड का क्या होगा दोस्तों, डिडंट होगा। उसी तरह दोस्तों आपका अगर इज है तो इजंट बनेगा, आर है तो आरंट बनेगा, आई एम है तो दोस्तों आरंट बनेगा। यही चीज अपवाद में है दोस्तों, आई एम वाला आपका अपवाद में है, अगर आपका आई एम रहेगा तब भी आपका आरंट बनेगा, अगर आपका आर रहेगा तब भी आपका आरंट बनेगा। आगे देखते हैं वाज, वाज रहेगा दोस्तों तो ये हो जाएगा वाज नॉट, ठीक, वाज रहेगा दोस्तों तो वाज नॉट हो जाएगा, वर रहेगा दोस्तों तो वर नॉट हो जाएगा, ठीक, वाज वर हो गया दोस्तों। उसी तरह हैज रहेगा दोस्तों तो हैजंट हो जाएगा, हैड रहेगा दोस्तों, हैड अगर रहेगा दोस्तों तब भी आपका डिडंट हो जाएगा, डिडंट ज्यादा ठीक रहेगा हैड पर भी, और दोस्तों ठीक ये चीज है। तो ये सभी दोस्तों देख लीजिए, ये सभी आपके टेंस के हैं और हमने सब कुछ लिख दिया दोस्तों। अगर आपका इज रहेगा तो इजंट रहेगा, हैव रहेगा तो हैवंट हो जाएगा, डू रहेगा तो डोंट हो जाएगा, डज रहेगा तो डजंट हो जाएगा, सभी चीज हमने दोस्तों लिख दी, सभी चीज हमने दोस्तों लिख दी, और हैड रहेगा दोस्तों तो हैडंट भी होगा और डिडंट भी होगा, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको अच्छा लगे आप उसको लिख लीजिएगा दोस्तों, जो आपको अच्छा लगे आप उसको लिख लीजिएगा। अगर आपको डिडंट लिखना हो डिडंट लिख लीजिएगा, और अगर आपको हैडंट लिखना हो तो हैडंट लिख लीजिएगा, ज्यादा अच्छा डिडंट बनता है। बाकी आपका जो मन हो, अगर आप हैडंट लिखना चाहें दोस्तों तो लिख सकते हैं, ठीक। आगे देखिए दोस्तों जो इंपॉर्टेंट है, ये तो नॉर्मल था इसलिए मैंने इसको ऐसे ही लिख दिया, आगे आप रूल लिख लीजिए दोस्तों, आगे आप रूल लिख लीजिए इसका, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, नहीं लिए होंगे दोस्तों कोई बात नहीं, आप एक बार बैक करके उसके बाद फिर ले लीजिएगा। आप लिखिए दोस्तों, आप एक रूल लिखिए, आप एक रूल लिखिए, यदि यदि वाक्य में यूज्ड टू रहे, यदि वाक्य में यूज्ड टू रहे, ठीक, यदि वाक्य में यूज्ड टू रहे तो उसका, तो उसका क्वेश्चन टैग, तो उसका क्वेश्चन टैग डिडंट वा, डिडंट वा यूज्डंट होता है, ठीक, डिडंट वा यूज्डंट होता है, लेकिन प्रिफरेंस, लेकिन प्रिफरेंस डिडेंट को दी जाती है, लेकिन प्रिफरेंस जो होती है वो किसको दी जाती है दोस्तों, डिडेंट को दी जाती है, ठीक। एक तो आपको ये सबका नॉर्मल, जो नॉर्मल है उसको नहीं लिखाया दोस्तों, जो आपका मतलब कि अपवाद में है उसको मैं बता दे रहा हूं। अगर डिडंट लिखा है या यूज्ड, मतलब अगर यूज नॉट लिखा है या यूज्ड लिखा है दोस्तों, यूज्ड टू लिखा है, तो उसका चाहे आप डिडंट लिखिए और चाहे यूज्डंट नॉट लिखिए, तो इसमें लेकिन प्रिफरेंस दोस्तों डिडंट को दिया जाएगा, पहला वर्ड। दूसरा लिखिएगा दोस्तों, दूसरा लिखिएगा, अगर दोस्तों ऑट टू लिखा है, लिख लीजिए दूसरा रूल दोस्तों, यदि वाक्य में, यदि वाक्य में ऑड टू लिखा है, यदि वाक्य में ऑड टू लिखा है दोस्तों, यदि वाक्य में ऑड टू लिखा है,
यदि वाक्य में आर्ट टू लिखा है तो उसका क्वेश्चन टैग स्टूडेंट होता है, स्टूडेंट होता है, या फिर दोस्तों ओ यू जी एस टी आर्टेंट, ठीक, स्टूडेंट होता है या उसका आर्टेंट, इसे लिख लीजिए दोस्तों, स्टूडेंट या आर्टेंट होता है। लेकिन जो प्रिफरेंस दी जाती है दोस्तों, प्रिफरेंस किसको दी जाएगी दोस्तों, स्टूडेंट को दी जाएगी। जो आपकी प्रिफरेंस दी जाएगी दोस्तों, किसको दी जाएगी, स्टूडेंट को दी जाएगी दोस्तों। ये दूसरा है, पहला बताया दोस्तों अगर यूज्ड टू लिखा हुआ है, पहला हमने बताया दोस्तों अगर यूज्ड टू लिखा हुआ है तो यूज टू का डिडंट या यूज्डंट होता है, और वहीं आर्ट टू लिखा है तो आर्ट टू का आपका स्टूडेंट या ऑर्डेंट होता है। और दोस्तों तीसरा देखिए दोस्तों, तीसरा मैं क्या बता रहा हूं, तीसरा लिखिए दोस्तों, तीसरा लिखिए अगर एम लिखा है या नीड टू लिखिए, पहले दोस्तों नीड टू लिखा है, नीड टू लिखा है दोस्तों, तो इसका भी आपका डिडंट होता है। अगर यूज्ड टू लिखा है दोस्तों तो इसका भी आपका डोंट, डीओएनटी डोंट होता है। अगर नीड टू लिखा है दोस्तों तो इसका क्या होता है दोस्तों, डोंट होता है, ठीक। अगर यूज्ड टू लिखा है दोस्तों तो इसका जो क्वेश्चन टैग होता है वो क्या होता है दोस्तों, डोंट होता है, ठीक। आगे देखिए दोस्तों, आगे देखिए, इसमें देखिए दोस्तों, समझाने का नहीं है, इसमें केवल आपको पता होना चाहिए कि अगर यूज्ड टू है तो क्वेश्चन टैग डिडंट बनेगा आपका, या यूज्ड यूज्डंट बनेगा। लेकिन आप लिखिएगा यही, ऑप्शन में भी आपको यही मिलेगा, होता दोनों है दोस्तों, लेकिन ज्यादा ये वाला माना जाता है, ठीक। आगे देखिए दोस्तों, इसको मैं मिटाल रहा हूं, इसको मैं मिटाल रहा हूं दोस्तों। अगर आपका मस्ट लिखा है, अगर आपका मस्ट लिखा है तो ये हो जाएगा दोस्तों मस्टंट, ठीक। मस्ट का जो क्वेश्चन टैग बनता है वो आपका मस्टंट बनता है, ठीक। उसी तरह दोस्तों मे का क्वेश्चन टैग, मे का क्वेश्चन टैग दोस्तों मेंट बनता है। तो ये सभी दोस्तों हमने बता दिए आपको, ये सभी क्वेश्चन टैग हमने बता दिए। आई एम वाला आप देख लीजिए, जैसे लिखा है अगर आई एम रीडिंग ए बुक, मैं एक पुस्तक लिख रहा हूं ना, अगर कह देगा दोस्तों तो इसका हो जाएगा दोस्तों आरंट आई, ठीक। लेकिन दोस्तों अगर कह देगा आई एम नॉट रीडिंग, आई एम नॉट रीडिंग ए बुक दोस्तों, तो इसका हो जाएगा आई एम आई। यही दो चीज याद रखिएगा दोस्तों, कंफ्यूजन जो होता है बच्चों का। हमने कहा कि आई एम के साथ आरंट आई का प्रयोग होता है, लेकिन दोस्तों अगर आई एम निगेटिव में है आपको तो आई एम के साथ यानी कि आई का प्रयोग होगा, अर्थात आई एम आई हो जाएगा। यही दोस्तों कंफ्यूजन है, बाकी सारी चीजें आपकी वैसे ही है दोस्तों। तो ये था आज का वीडियो दोस्तों, अगर अच्छा लगा हो, अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक करिए, कमेंट करिए और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा दोस्तों। क्वेश्चन टैग का अभी एक पार्ट और है दोस्तों, लेकिन वो एक पार्ट दोस्तों आपको फिर कभी बताया जाएगा। तो आज जो है वीडियो दोस्तों यहीं पर समाप्त करेंगे, लेकिन उसके पहले आप पीडीएफ का पासवर्ड देख लीजिए दोस्तों। आज जो इसकी पीडीएफ है दोस्तों, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। जो लोग नए जुड़े होंगे वो नीचे टेलीग्राम लिंक दी गई है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दी गई है, आप वहां से टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए दोस्तों, और इसकी पीडीएफ आपको वहीं पर मिलेगी दोस्तों। उसका पासवर्ड दोस्तों, टेलीग्राम जो चैनल है दोस्तों, इस पीडीएफ का जो पासवर्ड है, 1430 होगा, इस पीडीएफ का जो पासवर्ड है दोस्तों 1430 होगा, ये इसका पासवर्ड होगा दोस्तों, ये इसका पासवर्ड होगा 1430 होगा दोस्तों, 1430 होगा। और आज हम सबका नाम ले लेते हैं, जो जो बच्चे हमारे प्रेजेंट रहे, तो मैं देख रहा हूं दोस्तों, एक बार जल्दी से जय हिंद लिखिए दोस्तों, एक बार जल्दी से जय हिंद लिखिए, उसके बाद मैं देखता हूं कौन कौन से बच्चे हमारे प्रेजेंट रहे। तो जय हिंद अभिषेक, विशाल, नील, तुलसी, अनुज, रौनक, नितिन, कपिल, आयुष, अजय, नितेश, विशाल, नीरज, और बच्चे किसने कमेंट किया है, भवानी, अभिषेक, नील, नितेश, आकृति, सागर, प्रमोद, हनुमान, ब्लैक अजगर, नीरज, आशुतोष, राजेश, रौनक, ज्ञान,
संदीप, विकास। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे बच्चे जिन्होंने लाइव सेशन देखा, और भी बहुत सारे कमेंट हैं दोस्तों। तो ये थे आज की क्लास हमारी, और अगर अच्छी लगी हो दोस्तों तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, फेसबुक पर शेयर करिए, व्हाट्सएप पर शेयर करिए, इंस्टाग्राम पर शेयर करिए दोस्तों, हर जगह आप शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए दोस्तों। और यही वीडियो आपको बताएगा कि आपकी बेसिक इंग्लिश की क्लास चलेगी या नहीं चलेगी दोस्तों। तो ये कर्तव्य आपका है, इसका व्यूज, इसके लाइक, इसके जो कमेंट है दोस्तों वो हम देखेंगे, पर्सनली देखेंगे, ऑफलाइन कमेंट भी मैं देखूंगा, ठीक। तो ये था आज का वीडियो, और इस वीडियो में दोस्तों जो सहयोग रहा हमारे एडिटर साहब विवेक जी हैं और हमारे मॉडरेटर साहब अनुज जी हैं, हम तीनों लोगों ने आज आपके लिए ये पूरा वीडियो तैयार किया दोस्तों, ठीक। तो इसमें हमारी मेहनत पढ़ाने की है, जो एडिटिंग है वो विवेक जी ने की है, और जो इसका पब्लिशिंग का काम है वो आपका अनुज जी ने किया है। तो दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में, नमस्कार, धन्यवाद, देखते रहिए द स्पीड स्टडी, आपका अपना परिवार।